हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस वर्क दैट इज आर्स पोएटिका, जो कि एक पोएम है जिसकी मीनिंग होती है आर्ट ऑफ पोएट्री, लिखा गया होरेस के द्वारा। तो आज का क्वेश्चन हमारे इसी पोएम पर बेस्ड होंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें इस वर्क को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT तो इसके लिए हमने कई सारी वीडियोज़ बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं। और किसी भी एग्जाम के कंप्लीट नोट्स के लिए, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो या लैंग्वेज हो, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ होरेस आर्स पोएटिका। ये जो होरेस की आर्स पोएटिका है, इसकी प्राइमरी थीम क्या होता है आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी द आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री एंड ड्रामा। इसमें बताया गया है कि किस तरह से पोएट्री और ड्रामा को लिखा जाता है, तो उसी को सिखाया गया है, तो वही इसकी मेन थीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, इन विच फॉर्म वाज आर्स पोएटिका रिटन। आर्स पोएटिका को किस फॉर्म में कंपोज किया गया है, तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि हेक्सामीटर में लिखा गया है और वर्स फॉर्म में, चूंकि एक पोएम है इस वजह से वर्स फॉर्म में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, टू हुम वाज आर्स पोएटिका एड्रेस्ड। ये जो आर्स पोएटिका है, इसको किसे एड्रेस किया गया है, किसे संबोधित किया गया है, तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी लूसियस कल्पुर्नियस पीसो एंड हिज सन्स, इन्हीं को एड्रेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट डज द सेक्शन पोएसिस फोकस ऑन हिज आर्स पोएटिका। ये जो पोएम है बेसिकली इसको थ्री सेक्शन में डिवाइड किया गया है, और फर्स्ट होता है पोएसिस, तो ये कहना चाहते हैं पोएसिस जो है इसमें किस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोएट्री। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि जो पोएट्री होती है उसका क्या सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, तो उसी को पोएसिस में बताया गया है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्फेसाइज बाय होरेस एज इम्पॉर्टेंट फॉर पोम। होरेस ने किस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर डाला है कि ये पोम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो फाइव का हमारा सही आंसर होता है बी, ऑर्गेनिक यूनिटी। उन्होंने बताना है कि ऑर्गेनिक यूनिटी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पोम के लिए। अभी ऑर्गेनिक यूनिटी क्या होता है, तो हर एक जो एलिमेंट होते हैं, चाहे वो कैरेक्टर की बात करें या प्लॉट की बात करें या सेटिंग हो या थीम हो, या हर चीज़ जो होते हैं पोम के पर्पज़ को पूरा करने के लिए, उसकी मीनिंग को पूरा करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, अकॉर्डिंग टू होरेस व्हाट मस्ट अ पोएट अवॉइड क्रिएटिंग। होरेस के अनुसार पोएट को कौन सी चीज़ को क्रिएट करने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सिक्स का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी मॉन्स्टर और इम्पॉसिबल फिगर्स, यानी कि पोएट्री में मॉन्स्टर को नहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए, या फिर किसी ऐसे फिगर का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो इम्पॉसिबल हो, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवन्थ, इन आर्स पोएटिका हाउ शुड अ पोएट अप्रोच द यूज ऑफ वर्ड्स। आर्ट्स पोएटिका में किस तरह से बताया गया है कि जो यूज ऑफ वर्ड्स होते हैं उसको किस तरह से यूज करना चाहिए एक पोएट को, तो सेवन का हमारा सही आंसर होता है सी, दे शुड चूज एंड यूज वर्ड्स विद डिस्क्रेशन, यानी कि उनको ऐसे वर्ड का चुनाव करना चाहिए जो कि सूटेबल हो उस पर्पज़ के लिए, वहाँ पे यूज़ करना उनका सूटेबल हो, और बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है किसी वर्ड का प्रयोग हम कर देते हैं जो कि उस कंटेक्स्ट में सही नहीं होता है, तो चुनाव करना शब्दों का और सावधानी से यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है एक अच्छे पोएट के लिए, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट, व्हाट डज होरेस कंपेयर लैंग्वेज टू इन आर्स पोएटिका। आर्स पोएटिका में जो होरेस होते हैं वो लैंग्वेज को किससे कंपेयर करते हैं, तो एर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी अ ट्री विद लीव्स, एक पेड़ जो पत्तियों के साथ होता है उसी से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, व्हाट मीटर डज होरेस रिकमेंड फॉर एपिक पोएट्री। एपिक पोएट्री आपको पता हो जो कि महाकाव्य होता है, तो उसके लिए कौन सा मीटर रिकमेंड करते हैं होरेस। नाइन का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि हेक्सामीटर। उनका मानना है कि जो एपिक पोएट्री होती है उसको हेक्सामीटर में लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ,
वॉट इज अ की गाइडलाइन फॉर प्लॉट कंस्ट्रक्शन इन ड्रामा अकॉर्डिंग टू होरेस। होरेस के अनुसार जो किसी भी ड्रामा के लिए जो प्लॉट का कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए क्या गाइडलाइन होना चाहिए, क्योंकि अरिस्टोटल के अनुसार जो कोई भी ड्रामा होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लॉट, तो प्लॉट को किस तरह से कॉन्स्ट्रक्ट करना चाहिए होरेस के अनुसार, होरेस ने कौन सी गाइडलाइन दी है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि प्लंज स्ट्रेट इनटू मिडल। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखा हो, ये इन मेडियस रेस की मीनिंग होती है कि बीच से स्टार्ट करना, तो आपने बहुत सारी मूवीज़ देखा होगा जिसको स्टार्टिंग में जो सीन आपको दिखाई जाती है वो बीच की कुछ सीन होती हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं उसकी तरफ, या बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी आपके अंदर आ जाती है कि इसमें क्या होता है, और बहुत ही क्यूरियसनेस के साथ उसको वॉच करते हैं देखते हैं। तो यही इनका होरेस का मानना है कि जब भी कोई ड्रामा लिखा जाए तो उसमें मिडल से स्टार्ट करना चाहिए, बीच से स्टार्ट करना चाहिए, और बीच से स्टार्ट करने के लिए उन्होंने जो टर्म यूज़ किया है वो यूज़ किया है इन मीडियाज रेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हाउ शुड कैरेक्टर बी पोर्ट्रेड अकॉर्डिंग टू देयर एज एज पर होरेस एडवाइस। ये कहना चाहते हैं कि जो कैरेक्टर होते हैं उनकी एज के अनुसार किस तरह से उसमें दिखाना चाहिए ड्रामा में होरेस की एडवाइस के अनुसार। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि बॉयज शुड बी शोन एज रेकलेस एंड हाई स्पिरिटेड, यानी बॉयज़ को दिखाया जाना चाहिए कि वो रेकलेस है और हाई स्पिरिटेड है। अब ये रेकलेस और हाई स्पिरिटेड की मीनिंग क्या होती है, तो इससे राइटर कहना चाहता है कि जो कैरेक्टर जो बॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, लाइवली हो, और कभी कभी वो ऐसे एक्टिंग करते जो बगैर सोचे समझे, जिसे नेचुरल तरीके से लोग एक्टिंग कर देते हैं बगैर सोचे समझे, तो कुछ एक्टिंग उनकी ऐसी दिखाना चाहिए जिस पर उन्होंने विचार नहीं किया है, बगैर सोचे समझे कुछ एक्शन उन्होंने परफॉर्म कर दिया है, तो इस तरह से उनको दिखाया जाना चाहिए बॉयज़ को किसी प्ले में। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, अकॉर्डिंग टू होरेस व्हाट शुड नॉट हैपन ऑन स्टेज इन ड्रामा। होरेस के अनुसार ड्रामा में स्टेज पे क्या नहीं होना चाहिए, तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि अगली एंड हॉरिबल इंसिडेंस, कभी भी स्टेज पे अगली या हॉरिबल इंसिडेंस को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हाउ मेनी एक्ट्स शुड अ प्ले हैव एज सजेस्टेड बाय होरेस। होरेस के अनुसार एक प्ले में कितने एक्ट होना चाहिए, तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि 5 एक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, वॉट इज होरेस एडवाइस रिगार्डिंग द पब्लिकेशन ऑफ अ पोम। जिसे पोम को लिखते हैं उसके बाद में उसको रीड करता है पोएट या राइटर, उसके बाद में पब्लिश करता है, तो उसकी पब्लिकेशन के रिगार्डिंग होरेस का क्या एडवाइस है आपको बताना है। तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, लेट इट स्टैंड फॉर ओवर अ डिकेड बिफोर पब्लिशिंग। होरेस का मानना है कि उसको पब्लिश करने के पहले एक डिकेड तक, यानी कि 10 साल तक उसको रीड करना चाहिए, देखना चाहिए, अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, कुछ गलत हो गया है, कुछ मिस्टेक्स है, तो उसको करेक्शन करके फिर उसको 10 साल के बाद में पब्लिश करना चाहिए। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी क्वालिटी फॉर अ पोएट अकॉर्डिंग टू होरेस। होरेस के अनुसार कौन सी इसमें की एक बहुत ही नेसेसरी क्वालिटी है, इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक पोएट के लिए। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, नोबिलिटी एंड डिग्निटी फॉर ऑफ सोल। सोल की जो नोबिलिटी होती है और डिग्निटी होती है, डिग्निटी माने सम्मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट शुड अ पोएट एम टू इन हिज राइटिंग एज पर होरेस। होरेस के अनुसार एक पोएट का क्या एम होना चाहिए, क्या पर्पस होना चाहिए लिखते समय। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है सी, मिक्स प्लेजर विद प्रॉफिट। मिक्स प्लेजर विद प्रॉफिट की मीनिंग ये होती है कि एक पोएट को ऐसा वर्क लिखना चाहिए जिसको सुन करके, जिसको पढ़ करके ऑडियंस को प्लेजर मिले, और प्रॉफिट यानी कि उनसे उसको कुछ सीखने को मिले। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुशियाँ तो मिलती है लेकिन उससे कुछ सीख नहीं मिलती है, कोई फेबल उसमें, कोई मॉरल स्टोरी नहीं होती है, तो उसमें कुछ मॉरल लेसन भी सीखने को मिले और साथ ही साथ में प्लेजर भी मिले, तो इसी को बोलते हैं मिक्स प्लेजर विद प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, हाउ डज होरेस व्यू माइनर फॉल्स इन पोएट्री। जो माइनर फॉल्स होते हैं पोएट्री में उसको किस तरह से देखते हैं होरेस। तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दे मे बी फॉर गिवेन इफ द पोएम शाइन्स इन अदर एस्पेक्ट्स। ये कहना चाहते हैं अगर पोएम के बाकी एस्पेक्ट्स जो हैं बहुत ही अच्छे से हैं, बहुत ही अच्छा है, तो माइनर चीज़ों को फॉरगिव करना चाहिए, भूल जाना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, वॉट इज होरेस इंस्टांस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड आर्ट इन पोएट्री। होरेस का क्या स्टांस, यानी कि क्या वो कहना चाहते हैं
नेचर नेचर को लेकर के आर्ट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए होरेस के अनुसार। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी, बोथ नेचर एंड आर्ट आर इसेंशियल फॉर गुड पोएट्री। होरेस का मानना है कि एक अच्छी पोएट्री के लिए नेचर और आर्ट दोनों का होना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ कोरस इन अ प्ले अकॉर्डिंग टू होरेस। होरेस के अनुसार कोरस का एक प्ले में क्या रोल होता है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी टू फॉरवर्ड द एक्शन एंड गिव सेज काउंसिल, यानी कि जो एक्शन जो भी होता है उसको फॉरवर्ड करना और जो ऑडियंस होते हैं या कैरेक्टर होते हैं उसको सेज यानी कि वाइज एडवाइस देना, तो ये इनका काम होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट इज होरेस व्यू ऑन पोएटिक मैडनेस और इंस्पिरेशन। होरेस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पोएटिक मैडनेस और इंस्पिरेशन को लेकर के। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इट इज ऑब्जर्व्ड एंड शुड बी रिस्ट्रेंड, यानी कि ये बहुत ही ऑब्जर्व होता है और इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज होरेस से अबाउट द यूज ऑफ न्यू एंड ओल्ड वर्ड्स इन पोएट्री। जो पोएट्री में नए या पुराने शब्दों का प्रयोग होता है तो उसके बारे में होरेस का क्या मानना है। तो 21 का हमारा सही आंसर है सी, बोथ न्यू एंड ओल्ड वर्ड्स कैन बी यूज्ड विद मॉडरेशन। उनका मानना है कि नए वर्ड हों या पुराने शब्द हों दोनों का प्रयोग एक एवरेज में करना चाहिए, मॉडरेट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, अकॉर्डिंग टू होरेस वर्ड शुड बी द मीटर फॉर हिम्स टू द गॉड्स। होरेस के अनुसार जो हम गॉड्स के लिए कुछ भी हिम्स लिखते हैं, हिम यानी कि जो पोएम लिखते हैं, तो उसका मीटर क्या होना चाहिए। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि लिरिक मीटर में उसे कंपोज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट इज होरेस व्यू ऑन पोएट्स फ्रीडम टू इंडल्ज इन इमेजिनेशन। होरेस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है पोएट को, पोएट की रिगार्डिंग जो पोएट की फ्रीडम होती है, कहना चाहते हैं कि जो पोएट इमेजिन करता है तो उसके इमेजिन के लेकर के कितना पोएट्स को फ्रीडम मिलना चाहिए, उस पर होरेस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द पोएट हैज फ्रीडम बट मस्ट अवॉइड क्रिएटिंग एब्सर्डिटी। पोएट के पास फ्रीडम तो है इमेजिन करने का, लेकिन बहुत ज़्यादा एब्सर्डिटी या बेतुकेपन से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हाउ शुड अ पोएट हैंडल ट्रेडिशनल स्टोरीज अकॉर्डिंग टू होरेस। होरेस के अनुसार एक पोएट को ट्रेडिशनल स्टोरीज से कैसे हैंडल करना चाहिए। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, मॉडिफाई देम फ्रीली विद केयरफुल आर्ट, बहुत ही सावधानी से उसको मॉडिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट डज होरेस सजेस्ट अबाउट कंक्लूजन ऑफ अ प्ले। प्ले के कंक्लूजन के बाद में क्या सजेस्ट करते हैं होरेस। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है सी, इट शुड बी नेचुरल आउटकम ऑफ प्रीसीडिंग इवेंट्स। तो ये कहना चाहते हैं प्रीसीडिंग इवेंट्स यानी कि जो भी इससे पहले इवेंट्स घटित हुए हैं उससे तालमेल होना चाहिए जो एंडिंग हो रही है, और एक नेचुरल तरीके से इसका एक एंड होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ अ सडन आपने एंड कर दिया, तो एक नेचुरल तरीके से इसका एंड होना चाहिए और जो पीछे इवेंट्स घटित हुए उससे उसका कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, अकॉर्डिंग टू होरेस हाउ शुड अ पोएट डील विद द एडवाइस फ्रॉम द अदर्स। होरेस के अनुसार एक पोएट को दूसरे के एडवाइस से किस तरह से डील करना चाहिए। तो 26 का हमारा सही आंसर है बी, सीक एडवाइस ओनली फ्रॉम दोज वाइजर एंड मोर स्किलफुल, यानी ऐसे लोगों के एडवाइस को फॉलो करना चाहिए जो वाइज हैं और स्किलफुल हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट इज होरेस ओपिनियन ऑन एक्सेसिव ऑर्नामेंटेशन इन द पोएट्री। एक्सेसिव ऑर्नामेंटेशन की मीनिंग होती बहुत ज़्यादा आर्ट जो है फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग कर देना, बहुत ही ग्रैंड स्टाइल का प्रयोग करना, तो ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या ओपिनियन है होरेस की। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इट शुड बी अवॉइडेड एज इट कैन लीड टू एब्सर्डिटी, यानी कि इस चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये अब्जर्ड बना सकता है, ऑकवर्ड बना सकता है पोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ पोम अकॉर्डिंग टू होरेस। होरेस के अनुसार जो पोएम के कई सारे पार्ट्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो 28 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि द पार्ट्स शुड बी हारमोनियसली कनेक्टेड। हारमोनियसली यानी कि एक पार्ट का दूसरे पार्ट से कनेक्शन होना चाहिए और अच्छे तरीके से सामंजस्य होना चाहिए एक पार्ट का दूसरे पार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हाउ डज होरेस सजेस्ट अ पोएट शुड अप्रोच लैंग्वेज एंड यूसेज। होरेस के अनुसार एक पोएट को
लैंग्वेज और उसके यूसेज का किस तरह से प्रयोग करना चाहिए। तो 29 का हमारा सही आंसर है बी, फॉलो कंटेम्प्रेरी यूसेज एज फाइनल आर्बिटर। ये कहना चाहते हैं कि उस समय में जो भी वर्ड प्रचलन में है, ये जो भी यूसेज में है, उन्हीं वर्ड का प्रयोग करना चाहिए, ये ज़्यादा सुटेबल है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, अकॉर्डिंग टू होरेस व्हाट शुड बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ पोएट। पोएट के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या होना चाहिए पोम लिखने के लिए। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एंशिएंट ग्रीक मॉडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट डज होरेस एडवाइस अबाउट पोर्ट्रेइंग गॉड्स इन ड्रामा। यानी कि जो ड्रामा में हम गॉड को पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में होरेस की क्या एडवाइस है। तो 31 का हमारा सही आंसर है बी, गॉड्स शुड ओनली इंटरवीन। इंटरवीन माने होता है हस्तक्षेप करना, इंटरफियर करना, व्हेन एब्सोल्युटली एसेंशियल, यानी कि गॉड को तभी हमें प्रयोग करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, अदरवाइज बचना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट इज होरेस व्यू ऑन द पोएट्स रोल इन द सोसाइटी। सोसाइटी में पोएट का क्या रोल होता है और होरेस का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। 32 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि अ पोएट शुड बी प्राउड ऑफ हिज कॉलिंग एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ पोएट्री। ये कहना चाहते हैं पोएट को, जो पोएट है उसको अपने वर्क पे फख्र होना चाहिए और उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो वर्क होता है वो इन्फ्लुएंस करता है ऑडियंस को, तो इस वजह से उसको बहुत ही सावधानी से लिखना चाहिए। सो ए बी इज़ द राइट आंसर। सो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।